अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात और वेरी वेरी वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग बर्फ की जो है वो सिलसिले दिखाते हुए आपको कैलगिरी में छोटी मोटी रोड्स के ऊपर सड़कों के ऊपर घूम रहे थे और एंजॉय कर रहे थे और देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे कि भाई क्या सिस्टम रहता है क्या नहीं रहता। और साथ ही में हम लोग इसके बाद पहुंचे एक और जगह शॉपिंग करने, क्योंकि आपको पता है कि फैमिली की जो दौड़ होती है, जो मुल्ला की दौड़ होती है वो मस्जिद तक की होती है, जो फैमिली की दौड़ होती है ग्रोसरी से शुरू होती है और ग्रोसरी पे ही खत्म होती है। तो आओ पहले चल के देखते हैं कि जो है वो हम लोगों ने कहाँ गए और क्या क्या चीजें खरीदी। भाई वेलकम टू द फ्रीजर, क्योंकि इस वक्त हो रहा है -3, अभी सना ने मुझे बताया -3 हो रहा है। सो ऑब्वियसली जब फ्रीजर होता है तो जाहिर है वो बिलो जो भी होता है वो फ्रीज हो जाता है। अब यहाँ से निकालेंगे बच्चे का प्रेम, उसको अंदर डालेंगे सीट में इधर उधर और फिर इसके बाद देखेंगे। हाँ जी वेलकम टू द फ्रीजर, वेलकम टू द फ्रीजर। यार लास्ट ईयर की सर्दियों की याद आ गई है, हम लोग आ गए इस वक्त चलो फ्रेश को कुछ सामान लेने के लिए। तो बेसिकली चलो फ्रेश को ना ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, और ये यहाँ पे हेलो फ्रेश को होता है काफी बड़ा ग्रोसरी स्टोर है, तो रीजनेबल प्राइस में काफी अच्छा सामान मिलता है यहाँ। ये इसका देसी वर्जन है, किसका? हेलो फ्रेश को का देसी वर्जन, चलो फ्रेश को। ओके गाइस, तो अगर विंटर की बात करें तो कैलगरी इज़ वन ऑफ दो सिटीज़ के जहाँ का विंटर काफ़ी ज़्यादा मशहूर है कि बहुत ठीक ठाक और हार्श किस्म का विंटर होता है। बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ के रहने वाले लोग ये नहीं बताते, रहने वाले लोग यहाँ पे ये बताते हैं कि कैलगरी का विंटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू ऑनटेरियो। अभी चूँकि हमारा ये पहला साल है ऑनटेरियो से आके कैलगरी में, तो हम लोग ये देखेंगे, ये एक्सपीरियंस करेंगे ऐसा ऐसा कि कैसा रहता है। बट फिलहाल वी कैन सी कि यहाँ पर स्नोफॉल काफ़ी जल्दी पड़ गई है, मतलब इंस्टेंटली एंड ऑफ अक्टूबर और यहाँ पहली स्नोफॉल पड़ गई है, जबकि टोरंटो में हम लोग लास्ट ईयर थे तो वहाँ दिसंबर में पड़ी थी। सो ऑब्वियसली 1.5-2 महीने का शायद फर्क आता ही होगा। और चूंकि कैलगरी थोड़ा साउथर्न अल्बर्टा की तरफ आता है तो यहाँ पे एज कम्पेरिजन टू एडमिंटन थोड़ी कम बर्फ पड़ती है, थोड़ा कम विंटर होता है, बिकॉज एडमिंटन नॉर्थ पे है, नॉर्थ मीन्स ऑब्वियसली ज़्यादा ठंड। मगर कैलगरी को कहते हैं कि एक प्रेरी स्टेप टाइप क्लाइमेट रखता है, यानी कि यहाँ पे लोग यूजुअली सनी वेदर भी इंजॉय करते हैं, यहाँ सन बहुत निकलता है। एक और ख़ास बात जो हमने कैलगरी के बारे में सुनी है और यहाँ के विंटर के बारे में, वो ये कि यहाँ पे चलती है शिनूक की हवाएं, जो कि माउंटेन से आती हैं और काफ़ी हॉट और ड्राई हवाएं होती हैं, जिसकी वजह से चंद घंटों में ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर में 30 डिग्री का भी फ़र्क आ जाए ऊपर नीचे, यानी कि हवा आई तो 30 डिग्री ऊपर हो गया और एकदम जो है उसके बाद नीचे दोबारा चला गया, उसकी वजह से स्नो और स्लश जैसी आइस गिरती है। और इसके अलावा कैलगरी में जो है ड्राई क्लाइमेट होता है एज कम्पेयर टू ऑनटेरियो जहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ का विंटर उतना ज़्यादा कोल्ड महसूस नहीं होता जितना ज़्यादा टोरंटो में होता है। सो ओवरऑल दिस इज़ आवर फर्स्ट विंटर एंड वी विल एक्सपीरियंस दिस एंड वी विल कीप लेटिंग यू नो कि हम लोगों का क्या एक्सपीरियंस चल रहा है, कितनी ठंड है कितनी नहीं है, ऑनटेरियंस कैसा फील करते हैं। बट फिलहाल हम लोग शॉपिंग की तरफ कंटिन्यू करते हैं। भिंडी ले लो, तुरई ले लो, गाजर ले लो, गोभी ले लो। देखो कितना देसी है ना, ये देखो यहाँ पे ये सब्जी के ठेले लगे हुए बकायदा, ये काट है पहियों के साथ, तो दैट्स व्हाट वी मेंट, ये देसी फ्रेश को है। ये देखो यहाँ पे जो है वो ये उनको मौका मिल जाता है अलग अलग अपनी चीजें आगे, ये नहीं ये मैं अकेला आना चाह रहा था तो मैंने बोला नहीं 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 मैं आऊंगी साथ में, ये भी आ गए। क्या ढूंढ रहे हो? कपकेक ढूंढ रहे हो? मिला कुछ? ढूंढो ढूंढो हलाल ढूंढना जरा, देखो कपकेक ढूंढ रहे हो, कुछ मिला? ये ना? ये तो बड़ा वाला है। बड़ा वाला ही है, लेना है क्या? ये अभी छोटा है, अभी छोटा नहीं है। चलो बड़ा ही ले लो फिर, क्या कर सकते हो, मसला नहीं है। लाओ चेक कराओ, सही है ये नहीं है? सही है, सही है। नहीं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? देखो गाइस ये गोट है, इनका शेप देखो, ये गोट पता नहीं क्या होता है, पम्पकिन होता है शायद, ये आई थिंक पम्पकिन है। और इनके शेप देखो कितने अलग अलग किस्म के शेप हैं, कभी देखिए इस तरह के शेप मैंने पहली दफा देखे, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है। काउंट 6 काउंट इट 1 2 3 4 5 6 दैट्स गुड, गुड बॉय। ये देखो यार यहाँ पे लेबनीज ब्रेड इतनी महंगी होती है, मुझे समझ नहीं आया कनाडा के अंदर इतनी ओवरऑल महंगी क्यों होती है। 369 की यहाँ पे ये वाली लगी हुई है
और ये वाली लगी हुई है भी 369 की, तो ये होल व्हीट वाली होती है और ये नॉर्मल व्हाइट वाली होती है। वैसे नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया के अंदर $1.50 की होती है, $1.50 की होती थी, तो यहाँ पे ये $3.50 की है। मैंने वॉलमार्ट वगैरह में भी देखा है तो वहाँ पे भी इतनी ही महंगी। क्या क्या ले लिया, पूरा क्यों उठा लिया क्या फ्रेश को? ओके सही, यहाँ पे भी सब चीजें मिलती हैं। देखो हलाल का सेक्शन अलग बना हुआ है मुसलमानों के लिए, विच इज वेरी वेरी गुड यार। इसमें ज्यादा वैरायटी है, जैसे वॉलमार्ट में तो खाली दबिया के रखे हुए होते हैं, मगर यहाँ अलसफा के भी है और बहुत सारी वैरायटी। अलसफा का पिज्जा वगैरह भी रखा हुआ है, वाओ। पिज्जा भी खा सकते हैं $8 का, देखो। और हलाल ही होता है ये, पूरा लिखा हुआ है हलाल होता है ये, तो बुरा नहीं है। चीज पिज्जा है, पेपरोनी है, चिकन टिक्का कोई नहीं होगा? चिकन टिक्का चलो देखेंगे नेक्स्ट टाइम। नगेट्स आई थिंक $11 के हैं, $9 के, 9 to 11 ऐसे ही वेरी करता है हर जगह पर। यहाँ पे गजक भी लगी हुई है, देखो गचक गगन भाई की यही भाई, यहाँ पे पीनट की। ओहो क्या बात है, कितने की है भाई ये? ये है $3.47 की, $3.50 समझ लो। गोलगप्पे लोगी क्या? ले लो फिर, कितने का लगा हुआ है? वर्का गोलगप्पा ये लगा हुआ भाई $4.99 का, ऑलमोस्ट $5 का मतलब। ठीक है नॉट बैड, ऐसे उठाना जैसे कोई टूटा हुआ ना हो ज्यादा। हाँ ये सही है, बेहतर। हाँ ये सही है। ये देखो पाकिस्तानी यहाँ पे नेशनल की सेवैयाँ भी लगी हैं, जो लोग सेवैयाँ खाने के शौकीन है वो यहाँ पे आराम से आके खा सकते हैं। कौन कौन से चावल है यहाँ पे? रॉयल नहीं है, बाकी बहुत सारे चावल। रॉयल का क्या करना है, मतलब नॉर्मल तो है यहाँ पे। केला देखो सस्ते लगे हुए यहाँ पे, $13 के लगे हुए यहाँ पे, अच्छे चावल होते हैं। मैंने सुना तो है, आई डोंट नो, प्रीमियम लिखा हुआ है लाल किला। चावल हर कोई अच्छा नहीं होता इतना। किला हमने कितने का लिया था वॉलमार्ट पे? 12 का महंगा। कौन सा किला? ओ हाँ यही सेम था, यही सेम चीज हमने $12 की। ऐसा हो सकता है कि वॉलमार्ट पे ज्यादा हो गई हो या फिर चावल पुराना हो गया। वो कहते हैं ना जितना चावल पुराना होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है, तो जो है वो मैं अपने बारे में कहता हूँ, मैं पुराना चावल हो गया, 40 साल पुराना तो अच्छा ही होगा, ऑब्वियसली नहीं। ये देखो ये नया वाला चावल है अल्ली, ये देखो ये 5 साल पुराना चावल है। पे दालें लगी हुई है, $6 का एक पैकेट है यहाँ पे, चाहे वो उड़द दाल हो, चाहे वो मसूर की दाल हो, चाहे वो मूंग की दाल हो, या फिर चने की दाल हो, कोई सी भी दाल हो, $8-$8 $6-$6। अभी नुमान भाई को बोला अगर वो वीडियो देख रहे हो सस्केचुअन वाले, तो भाई रेजाइना वाले की जो है वो दालें इतनी महंगी होती है, जब कनाडा इतना बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया में, तो दालें फिर कनाडा में महंगी बेचते हैं, $2 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो अपना प्रोड्यूस है नहीं। आई थिंक वो पहले जाती है इंडिया फिर वहां से रीपैक करके दोबारा आती है, मुझे लगता है ऐसे ही होता है। ओके गाइस, तो इन केस आपको वाकई में नहीं पता तो थोड़ी सी मैं इसके बारे में बात बता दूं कि लेंटिल्स यानी कि दालें जो हम लोग रोज़मर्रा में खाते हैं, जैसे कि लाल दाल और ग्रीन दाल जिसको हम लोग कहते हैं मसूर की दाल और छिलके वाली दाल, ये दोनों दालें कनाडा में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं दुनिया में, और उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है इंडिया। कनाडा की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली सस्केचुअन का प्रोविंस, सस्केचुअन का वो सूबा जहाँ पर अशर गए थे अभी थोड़े दिन पहले रोड ट्रिप करने, रिमेंबर? जी हाँ एग्जैक्टली वही वाला सूबा। तो थैंक्स टू हिज फ्रेंड्स नुमान एंड उनके एक और जो फ्रेंड अमित थे, उन्होंने बताया कि यार कनाडा ही इज़ द लार्जेस्ट लेंटिल प्रोड्यूसर। ना सिर्फ लेंटिल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बल्कि कनाडा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है पूरी दुनिया में, और कनाडा में चूंकि टेम्परेट क्लाइमेट होता है यानी कि नॉर्थ पोल में पड़ता है दुनिया में, तो इसलिए यहाँ पे जो लेंटिल्स प्रोड्यूस होती हैं उसको विंटर और स्प्रिंग में ही प्लांट कर दिया जाता है, काफ़ी कम टेम्परेचर में प्लांट होती है ये। और मज़े की बात आपको ये बताऊँ कि कनाडा हमेशा से ही प्रोड्यूसर नहीं रहा दालों का, बल्कि लेट 1970s में इसने दालों का स्टार्ट किया है प्रोडक्शन। जब से वीट और बार्ले की प्राइस दुनिया में काफ़ी कम होनी शुरू हुई तो फिर कनाडा के ऊपर ये प्रेशर पड़ा कि वो इन क्रॉप्स को प्रोड्यूस करे, तो सस्केचुअन ऑब्वियसली इसके लिए काफ़ी परफेक्ट रीजन था, तो यहाँ से फिर इन्होंने स्टार्ट किया और पॉलिसी मेकिंग की जिसके थ्रू इन्होंने कुछ फाइनेंसिंग जमा की और क्रॉप रिसर्च सेंटर सस्केटून में बनाया, जो कि सस्केचुअन का ही एक छोटा सा शहर है। और इनका यही गोल था कि खूब सारी दालें और अलग अलग वेराइटीज़ की पल्सेस को ग्रो किया जाए यहाँ पर, ताकि वो एक्सपोर्ट के लिए प्राइमरीली इस्तेमाल हो और इससे फिर पैसे जनरेट किए जाएँ।
और अब आप सोचोगे कि मेजरली एक्सपोर्ट के लिए ही क्यों, वो उसकी वजह ये है कि कनाडा इज़ नॉट अ मेजर कंज्यूमर फॉर लेंटिल्स, यानी कि यहाँ पे दालें इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती। जाहिर है हम लोग देसी लोग जो है वो ज़्यादा दालें खाते हैं, तो हमारे एरियाज में स्पेशली इंडिया में सबसे ज़्यादा दालों को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम कनाडा टू इंडिया। और इस तरह पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी दालें जाती हैं, क्योंकि वो सारा रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दालों को कंज्यूम किया जाता है। शानदार नेशनल के मसाले देखो, हर जगह आपको इजी पीजी मिल जाते हैं। कनाडा में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो नो फ्रिलो फ्रेशको हो, वॉलमार्ट हो, कैनेडियन स्टोर हो, कहीं पे भी हो, आई थिंक मैंने कभी देखा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ रही हो। और यहाँ पे भी देखो सस्ते भी लगे हुए, अगर तुम लोग लेना चाहते हो तो आके ले सकते हो। ये देखो इनको चीज एक मिली नहीं रही थी नहारी का, 2 सेकंड लगे मुझे नहारी का मसाला ढूंढने में, क्योंकि शान का नहारी का यहाँ पे नहीं। ये देखो वेस्ट गेट का ये हलाल मीट भी यहाँ पे मिलता है, और आई थिंक प्राइस मुझे सही लग रही है, 4.74 पर के जी, $18 पर किलो, तो ठीक ही होगा, बोनलेस है ये। और ये बोन वाला है अच्छा खासा है ये, काफी $8.90 का काफी है। सो $9 में आप समझिए, मतलब ये है $14 पर किलो का। ओके हिसाब से देख रहे, अब वहाँ पे देखूंगा मैं, जो हम लोग जहाँ से अपना लेते हैं वहाँ पे कितने का होता है मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो देख के बताऊँ। क्योंकि भाई हम लोगों को बीफ करी बनाए हुए बहुत टाइम हो गया है, हम लोग जब से आए हैं तो कुछ भी पतीलियाँ हमें मौजूद थी, मगर अब अलग है शुगर के सब सामान आ गया, तो सोचेंगे यार बीफ ले ही लेते हैं। और कीमा पे गुजारा हो रहा था, कीमा और चिकन हो गया। और यहाँ पे हम लोगों को ना मसाले लगे हुए ये मिलते हैं, काफ्ता अच्छी चीज है, हम लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया है, बट करेंगे ट्राई। हमने सिडनी में करते थे हम लोग, सिडनी में खाया है एग्जैक्टली। अब यहां $10 गए, $10 में कितने, 2, 4, 6, 7, हाँ, साढ़े दस में ये जो ना काफी अच्छा है, 7 कबाब आधा आधा किलो समझ लें। और हलाल है वही, देख लो हलाल हलाल है ये, तो चलो इसको स्पाइसी भी है तो मजेगा होगा। हाँ मजेदार होगा, चलो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, अभी नहीं अभी नहीं, हल्का हल्का हल्का। एक ले लेते हैं फिलहाल, तो ये दूध की जो आप लोगों ने देखी प्राइस सेम ही है वॉलमार्ट से, तो कुछ फर्क नहीं है, यहाँ पे भी आके ले ले हम तो अच्छा बुला रहे, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है ऐसे। दिस इज सेवैया। आने लगा, चलो जी बैठो जी बैठो, यल्ला क्या बंद करने आने लगा। हाँ पता है, डिग्गी। तो दोस्तों हम लोगों की आज थी ये पहली स्नो वाली अपडेट, और हम लोगों का आज दिन जबरदस्त चल रहा है, तो अब यहीं पे व्लॉग का एंड करेंगे, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, एंजॉय, हम चल रहे हैं फटाफट, अल्लाह हाफिज़। हम लोग घर पे आ गए हैं खैर खैरियत से अल्लाह का शुक्र, क्योंकि रास्ते में गाड़ी बहुत स्किड हो रही थी, और अभी इसलिए क्योंकि विंटर टायर नहीं है, देखो सामान वगैरह निकाला जा रहा है, और ये जो टायर्स है ना ये विंटर वाले टायर्स नहीं है, ऑल सीजन टायर है, तो वॉशर को इसका अलग खर्चा पानी निकालना पड़ेगा पूरा, $300-400 के बता रहे आते हैं क्यों जी। तकरीबन $400 तक के आएंगे, मैंने चेक किया है इधर उधर से, नए टायर विंटर टायर तकरीबन $400 के आएंगे, तो ये कनाडा है दोस्त। चलो ये भी खर्चा तैयार है हमारा, और सैफी भी आ गया अपना कपकेक शपकेक लेके, और अली को हम निकालेंगे।